सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कई जनपदों में दम तोड़ रहा है। शहर में एक के बाद एक घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस बार मामला बांदा जनपद से है, जहां दो मंचलों ने एक किशोरी को कैरोसिन का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। क्या है इस खौफनाक वारदात के पीछे का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। बांदा जिले से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। ऐसी खौफनाक वारदात जो ये सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर कैसे महफूज होंगी हमारी देश की बेटियां, क्योंकि अब घर से बाहर निकलते ही कुछ वैशी दरिंदे बेटियों पर घात लगाए बैठे रहते हैं। न सिर्फ घर के बाहर बल्कि अब घर के अंदर ही ये दरिंदे खौफनाक वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते। वो इस बात से बेखौफ है कि पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस बार घटना बांदा जिले से सामने आई है, जहां एक किशोरी को दिन दहाड़े घर में घुसकर दो मंचलों ने कैरोसिन डालकर आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गए। दर्द से चीखती कराती किशोरी जब बदहवास हालत में इधर उधर भागने लगी तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसकी आग बुझाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही उसके परिजनों को भी सूचना दी, लेकिन अस्पताल में ही बुरी तरह झुलसी किशोरी ने दम तोड़ दिया। मामला सर जो है, जब हम वहां से हमें पता चला, जब हम बांदा आए तो हमें ये पता चला कि गांव के ही दो लड़के काफी एक महीने से लगभग छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़की एक दो बार वो रहना भी दिया और कुछ झगड़ा फसाद भी हुआ, और इसके बाद जो है वो तो कह रहे थे कि इसने तो हमारी जो है इज्जत खराब कर दी, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हम बाहर थे तो जब आग लगी तब हमने ये देखा कि दो लड़के जो है भाग गए, जो है आग लगा के। कब से शोषण करते रहे? लगभग एक महीने से चल रहा था। एक महीने से चल रहा। आपको सूचना जानकारी मिली? हाँ मिली। मैंने लोगों से, मोहल्ले वालों से भी बताया और गाली गलौज भी हुई उन लोगों से मेरी, लेकिन मैं हरकत से बाहर। क्या इसी के चलते लड़की ने आत्महत्या किया? मैं तो घर में था नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आग लगाई गई है उसको, लगाई क्योंकि वो मारने की धमकी देते थे बार बार कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या वही व्यक्ति आग लगा के बाद? हाँ, वही लोग आग लगा। घटना बांदा के लामा गांव की है, जहां 16 साल की नाबालिग किशोरी काफी दिनों से गांव के दो मंचलों से परेशान थी, जिसकी मौखिक शिकायत किशोरी के परिजनों ने पुलिस को पहले भी दी थी। बीते दिन किशोरी अपने घर में काम कर रही थी और उसकी माँ दरवाजे पर बैठी थी, तभी पीछे से गांव के दो युवक घर में घुसे और किशोरी पर कैरोसिन डालकर आग लगा दी। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बारे में सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और घटना की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला संज्ञान में आया है, कोतवाली देहात के लामा क्षेत्र में एक बच्चे द्वारा खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई है, और उसके पिता से भी इसके बारे में बात की गई है, तो उन्होंने भी इस घटना का समर्थन किया है। बाकी मामले में अगर कोई तहरीर आती है तो मुकदमा दर्ज कर सूचना की जाएगी। मंचलों की दिन दहाड़े घर में घुसकर की गई इस वारदात से ये बात साफ होती है कि यहाँ पुलिस का कोई खौफ नहीं, लिहाजा बिना किसी डर के आरोपी आए दिन ऐसी वारदातों का अंजाम दे रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी पूरा तमाशा देखती है। आखिर क्यों इन अपराधियों पर कानून का डंडा नहीं चलता, क्यों इन्हें पुलिस का खौफ नहीं है? आखिर कब तक इन मंचलों की हरकतों के चलते किसी परिवार को अपनी बेटी को यूं ही खोना पड़ेगा? बांदा से समाचार प्लस के लिए मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।